साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में उत्तरी अमेरिका का फोर्थ लेक्चर पे चर्चा करेंगे। हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो मुख्य भूमि से लगे देश थे, 10 देशों के, उनके बारे में चर्चा करे थे। आज कैरेबियाई देशों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन से 3 अधीन क्षेत्र भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं? तो फिजिकली रूप से तो ये आते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इनका अधिकार अन्य देशों का है। वो देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। एक तो पहला है ग्रीनलैंड द्वीप, जो हमारा है सबसे बड़ा द्वीप है संसार का, ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड, इसकी राजधानी नूक है। कब्जा किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक प्रशासनिक। कहने को है कि उत्तरी अमेरिका में है, इसका एरिया बहुत ज्यादा है। यह है आपका 2,38,100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा है आपका बरमूडा, एरिया बहुत कम है, केवल 55 किलोमीटर स्क्वायर है। राजधानी हैमिल्टन है, हैमिल्टन है राजधानी। और कब्जा किसका? ब्रिटिश का है, ब्रिटिश का, ब्रिटिशर्स का इस पे कब्जा है। अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंडी भाषा बोली जाती है। अगला है सेंट पियर मिकलान, इस पर फ्रांसीसी कब्जा है। सेंट पियर मिकलान, राजधानी सेंट पियर है, सेंट पियर है राजधानी है इसकी, और कब्जा है फ्रांसीसी। और ये 245 किलोमीटर वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल है। तो 3 अधीनस्थ क्षेत्र जो हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इनका अधिकार अन्य देशों का है, जो आपने देखा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी अमेरिका में कितने कैरेबियाई देश शामिल हैं? तो हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि उत्तरी अमेरिका देश में महाद्वीप में 23 देश आते हैं, 10 मुख्य भूमि से लगे देश, जो बता दिया था पहले हमने, आपको याद हो आते होंगे। बहुत से देश हैं, जैसे आपका कनाडा है, USA है, मैक्सिको है, और हमने बेलीज बताया था, ग्वाटेमाला बताया था, कोस्टा रिका बताया था, अल सल्वाडोर बताया था आपको, और आपको निकारागुआ बताया था, और आपको पनामा बताया था, सब बताया था। आज हम अगले इसके सेकेंड क्वेश्चन पे, कैरेबियाई देश कितने हैं? कैरेबियाई देश, देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कितने आते हैं? 13 है, 13 मुख्य कैरेबियाई देश हैं। जैसे पहला एंटीगुआ एंड बरबूडा है, जिसकी राजधानी क्या है? सेंट जोन्स है। पहला है एंटीगुआ एंड बरबूडा, सेंट जोन्स राजधानी है इनकी। बहुत से हैं, और जैसे बहमास है, राजधानी नसाऊ है इसकी, नसाऊ है। क्यूबा है, राजधानी आपके हवाना है। जमैका है, किंगस्टन राजधानी है, किंगस्टन है, बहुत है इनके। और आपका ग्रेनेडा है, सेंट जॉर्ज राजधानी है ग्रेनेडा।
सेंट जॉर्ज राजधानी है, ये देश है, ये राजधानी है आपके, ये नोट करते चलिए, बहुत काम आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी राजधानी पूछ ली जाती है। एक डोमिनिका है जिसकी रुसाऊ है राजधानी, डोमिनिका, डोमिनिका देश है, रुसाऊ, रुसाऊ राजधानी है। एक डोमिनिक रिपब्लिक है, डोमिनिक रिपब्लिक, सेंटो डोमिंगो इसकी राजधानी है, डोमिनिक रिपब्लिक, रिपब्लिक है सेंटो डोमिनिगो, डोमिनिगो इसकी राजधानी है, या सेंट डोमिनिगो भी कह सकते हैं, डोमिगो या डोमियो भी कह सकते हैं, डोमिनिगो है। और एक सेंट किट्स एंड नेविस है, सेंट किट्स एंड नेविस है, बस बसेत्री इसकी राजधानी है, सबसे छोटा, सेंट किट्स एंड नेविस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा कनाडा, सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का तो कनाडा, सबसे छोटा देश तो सेंट किट्स एंड नेविस सबसे छोटा देश, सेंट किट्स एंड नेविस इसकी राजधानी है बसेत्री, बसेत्री। उसके बाद सेंट लुसिया है, कैस्ट्रेज इसकी राजधानी है, सेंट लुसिया, छोटे छोटे द्वीप हैं, कैस्ट्रेज इसकी राजधानी है, बहुत इनकी दूरी भी ज्यादा नहीं, 100 किलोमीटर, 145 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे ऐसे इनकी दूरी है। एक है सेंट विसेंट ग्रेनेडाइन हो है, उसकी किंगस्टाउन है, सेंट विसेंट ग्रेनेडाइन, सेंट विसेंट ग्रेनेडाइन, इसकी राजधानी जो है ये आपकी किंगस्टाउन है, इसकी राजधानी किंगस्टाउन। छोटे छोटे देश हैं। और एक त्रिनिदाद एंड टोबैको है, पोर्ट ऑफ स्पेन राजधानी है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो राजधानी इसकी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है आपके। दो देश और बचे हैं, छोटे छोटे बचे हैं, और वो जो देश होंगे आपके, आपका अभी सेंट लुसिया हो गया, सेंट विसेंट हो गया, बहमास हो गया, एंटीगुआ हो गया, हैती हो गया, हाँ अभी हैती नहीं हुआ, हैती नहीं होगा, पोर्ट ऑफ क्या है, पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी राजधानी, हैती नहीं हुआ ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, हैती है, पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी राजधानी है। लास्ट लास्ट इसका देश एक है, छोटा सा कोई देश है इसका, सेंट हो गया, लुसिया होगा, एंटीगुआ, बहमास, क्यूबा, जमैका, ग्रेनेडा, डोमिनिका, डोमिनिक रिपब्लिक, सेंट किट्स, सेंट लुसिया, सेंट विसेंट, त्रिनिदाद और हैती, और एक देश छोटा कोई बचता, हाँ बारबाडोस जिसकी राजधानी ब्रिज टाउन है, बारबाडोस, बारबाडोस,
ब्रिज टाउन जिसकी राजधानी, ब्रिज टाउन राजधानी है। दोस्तों अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो थोड़ा इसके दो देश उधर लिख देते हैं हम, आपको शायद ना दिख रहे हो, ज्यादा नीचे लिख दिया गया है, तो दो दो देश हम उधर लिख देते हैं। 11 देश तक इधर है और दूसरा हैती और बारबाडोस, बारबाडोस। हैती हो गया और बारबाडोस, बारबाडोस की ब्रिज टाउन है और हैती की क्या है, बारबाडोस की ब्रिज टाउन इसकी है, हैती जो है मतलब जमैका के थोड़ी दूरी पे है, हैती जमैका से बिल्कुल 45 किलोमीटर लगभग दूरी है हैती की। तो हैती बहुत छोटा देश है, पोर्ट ओ प्रिंस इसकी राजधानी है, बारबाडोस की ब्रिज टाउन है, हाँ इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। तो इस प्रकार से ये हमारे जो है आपके 13 देश जो है कैरिबियाई देश हैं, और उसके पिछले लेक्चर में हमने मुख्य भूमि से लगे 10 देशों के राजधानी और देशों के बारे में जाना था। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, अब इसको मिटाना पड़ेगा, फिर आगे क्वेश्चन पर चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि राकी पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन देशों में है। तो राकी पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वत श्रृंखला 3 देशों में विस्तार है प्रमुख रूप से, 3 देशों में उत्तरी अमेरिका के। एक तो आपका कनाडा, यूएसए अमेरिका जिसको कहते हैं, और मैक्सिको में, मैक्सिको में। और सबसे ऊंचा शिखर इसका क्या है, माउंट मैकिनले, कितना ऊंचा है, 6194 मीटर, इसे देनाली भी कहा जाता है। ये अलास्का में है, अमेरिका जिसका भाग है अलास्का। तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी है, 3 देशों में फैला है राकी पर्वत, बहुत विशाल का पर्वत है। अगला है राकी पर्वत कितनी श्रेणियों में विभक्त है, तो कितनी श्रेणियां हैं इसकी, तो इसी में बता देते हैं राकी की श्रेणियां। कनाडा के उत्तर में अलास्का के आगे सबसे श्रेणी जो ब्रूक्स श्रेणी है, ब्रूक्स, ब्रूक्स सबसे उत्तरी कनाडा के उत्तर में, ब्रूक्स है। और ब्रूक्स के बाद आपकी है जैसे मैकेंजी है, इसी में मैकेंजी है, और आपका क्या है अलास्का, अलास्का है, फिर मैकेंजी है, फिर कैस्केड है, फिर सियरा नेवादा है। तो ब्रूक्स है, उसके बाद क्या है अलास्का, अलास्का है, मैकेंजी है,
मैकेंजी है, कैस्कर्ड है और सेरा निवादा है। सेरा निवादा, तो ये जो पांच मुख्य श्रेणियां हैं राकी की, जो आपके कनाडा के आगे से लेकर के मैक्सिको के लास्ट तक, दक्षिणी मैक्सिको तक इनका फैलाव है। दक्षिणी मैक्सिको तक ये पूरी तरीके से फैली हुई है। अगर अच्छा ये पूछा जाए कि शिखर जो माउंट मैकिनले है क्या एक ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कहाँ पे अमेरिका का कब्जा है, तो अगर कहा कि माउंट मैकिनले कहाँ आती है तो अलास्का में है, लेकिन ये अमेरिका में आता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ हो गया, फिफ्थ अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, अपलेशियन पर्वत। कहाँ पे है, तो ये अपलेशियन पर्वत जो है आपका ये पूरी तरीके के यूएसए में है। ये पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, यूएसए में है, यूएसए एक पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला, पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला। इसका ऊंची चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी मिशेल है, सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, मिशेल अपलेशियन की। कितनी है, 2037 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि छठा लारेशियन पठार का दूसरा नाम क्या है, तो लारेशियन पठार कहिए चाहे आप, चाहे कैनेडियन शील्ड कहिए, चाहे कैनेडियन शील्ड कहिए। इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, बहुत खनिज पाए जाते हैं, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है इसे। लारेशियन पठार का दूसरा नाम क्या हो गया, कैनेडियन शील्ड हो गया। इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। सेडवेरी की खाने यहाँ पे हैं, निकिल कोबाल्ट की खान जिसको कहते हैं, ओंटोरियो की खान है जिसमें सोने की खान होती है। किसकी खान यहाँ पाई जाती है, सडबरी की खान, सडबरी खान किसके पाया जाता है इसमें, निकिल एंड कोबाल्ट, निकिल व कोबाल्ट, सडबरी की खान में निकिल और कोबाल्ट पाया जाता है सबसे ज्यादा। और क्या होता है यहाँ, ओंटोरियो सोने की खान है जिसको ओंटोरियो की खान होता है, सोने की खान कहते हैं। ओंटोरियो की खान भी यहीं पे है। क्यों प्रसिद्ध है, सोना, सोना के लिए। सोना, सोने की खान कह लीजिए, खान है आपके, तो इसके लिए। और एक फिलम फलोन की खान पाई जाती है, वो क्या है, एक कॉपर की और किसकी है, और सिल्वर की, फिलम फनेल की खान। कॉपर व एजी, कॉपर मतलब तांबा, एजी मतलब चांदी की खान, तो ये इसीलिए इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि आपका कोलोराडो पठार कहाँ स्थित है, तो यूएसए में है, कोलोराडो पठार, कोलोराडो पठार कहाँ श्रेणी है, अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर
पर्वतीय पठार कहाँ से निकला है? राकी से, राकी रेंज का फैलाव है, राकी का पठार है, राकी रेंज का पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। मिटाएंगे दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में कि आपका मुहावे उष्णस्थल कहाँ पाया जाता है? तो मुहावे उष्णस्थल आपका यूएसए में पाया जाता है, यूएसए और मेक्सिको में इसका फैलाव है। मुहावे उष्णस्थल जो है आपका, अगर पूछा जाए तो मुहावे उष्णमरुस्थल है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है यूएसए एंड मेक्सिको में, दोनों में इसका फैलाव है। यूएसए में ज्यादा है, मेक्सिको में कम, लेकिन यूएसए मेक्सिको दोनों में स्थित है मुहावे उष्णमरुस्थल। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यूएसए के प्रमुख ज्वालामुखी, यूएसए में ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कौन से? एक्टिव, एक्टिव वोल्केनो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, मुख्य रूप से 3 है इसके सक्रिय ज्वालामुखी, कौन कौन से हैं? एक तो रेंडियर है, साइस्ता है, रेंडियर है इसका, और यहाँ पे एक साइस्ता ज्वालामुखी है, एक हुड ज्वालामुखी है। सास्ता, सास्ता बोलते हैं, सास्ता और हुड, ये क्या है? तीनों क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी है। कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में। रेंडियर, सास्ता और हुड जो है इसके एक्टिव ज्वालामुखी है। फिर एक ज्वालामुखी पाया जाता फेमस, पोपो केटे पेटेले, पोपो केटे पेटेले मेक्सिको का सक्रिय ज्वालामुखी है। पोपो नाम अजीब है थोड़ा, पोपो केटे पेटेले, ए की मात्रा ये पूरी लगा दी, ओ फिर के ए की, पोटो केटे पेटेले कहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है? क्या है सक्रिय ज्वालामुखी? कहाँ का है? मैक्सिको का, मैक्सिको का। तो साथियों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके माध्यम से आज हमने नॉर्थ अमेरिका का 4th लेक्चर स्टडी किया है। अब इसके वनस्पत, इसके जलवायु, अन्य देशों में क्या क्या चीजें फेमस है, सभी देशों की जलवायु कैसी है, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ के और इसको एंड करेंगे। और आपके जो सुझाव हो प्लीज़ देते रहिएगा, और अपनी पूरी कोशिश करते हैं हम कि प्रश्नों के माध्यम से आपको डिटेल स्टडी करके टॉपिक को क्लियर किया जाए। 4 लेक्चर हमारे नॉर्थ अमेरिका के हो चुके हैं, विश्व ज्योग्राफी के। आप हमारे कैलिबर अड्डा में जाइए, विजिट करिए प्लीज़, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर अवश्य करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो आप देख सकें, उसको नोट डाउन कर सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में एक कदम और आगे बढ़ा सके। साथियों इसके अलावा डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर चलता है, डिटेल्ड करंट अफेयर स्टडी होती लगभग 25 से 30 मिनट तक का क्लास होता है, डिटेल स्टडी होती है, वो आप जरूर देखा करिए। 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम करते हैं, लेकिन डेली उसमें पूरा डिटेल कवर करते हैं, तो वो आपका, उससे आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा और करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ उसको अवश्य देखिए और कैलिबर अड्डा का विजिट करिए, बहुत से इसमें आपके लिए लेक्चर हैं, जनरल हिंदी क्लासेस कंपटीशन लेवल के हैं, आपकी जनरल साइंस की क्लासेज हैं, साइकोलॉजी की हैं, मैथमेटिक्स की कंपटीशन की क्लासेज हैं और साइकोलॉजी की हैं। तो आप पूरा हमारा कैलिबर अड्डा विजिट करिए, एकेडमिक से लेकर कंपटीशन तक की सभी क्लासेज मौजूद हैं, और हम पूरा प्रयास करते हैं गुणवत्ता एक वीडियो बनाने के लिए। कोई कमी रह जाए तो आप उसमें सुझाव अवश्य दीजिए, आपके सुझाव सर्वोपर है, सिरोधार है, हम उसमें सुधार करेंगे। सुधार तो मनुष्य का गुण ही है, निरंतर सुधार ही करता रहता है,
गलतियां सबसे थोड़ी बहुत होती रहती हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं हम गुणवत्तापूर्ण आपको वीडियो दें, उपलब्ध कराएं। और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे करंट अफेयर्स लेक्चर चला जाए या 10 कदम सीरीज से चला जाए या किसी भी लेक्चर से जाए। अगर आप रेगुलर इसको देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, रिविजन करते हैं। साथियों मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा के साथ अपने सपनों की उड़ान भरिए और अपने लक्ष्य की प्राप्त कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।